एक्सरसाइज 11.2 का सॉल्यूशन देखेंगे भाई जल्दी से। इंट्रो पार्ट एक एक प्रूफ हम लोगों ने किया है, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अगर इस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं सो दैट थ्री लाइंस विद द डायरेक्शन कोसाइंस। अब तीन लाइन है उनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए, सब एक लाइन ये रही और एक लाइन ये, कैसे मैं आपको समझाने के लिए बस ये भैया तीन लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए, मतलब एल वन दिया गया है 12/13, M1 दिया गया है -3/13 और N1 दिया गया है -4/13। और खारी स्टार्टिंग से ही समझते हैं चलना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी तुमको, ठीक है। इसके डायरेक्शन कोसाइन मतलब L2 4/13 और M2 कितना है उपासना देखो जरा 12/13 और N2 कितना है 3/13, फिर L3 3/13, M3 माइनस का 4/13, 12/13, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। ये तीन लाइंस हैं इनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए ये लाइंस के। अब ये कह रहे हैं ये प्रूफ करो कि ये लाइंस आपस में क्या है, ये लाइंस आपस में क्या है परपेंडिकुलर। भारती चुहिया ये देखो सीसा ठीक है, सीसा ठीक है क्या डर, ऐसे आर्मी में ही हो, ऐसे आर्मी में हो, चलो अच्छा। तो ये तीन लाइंस है उनके डायरेक्शन कोसाइन दिए गए, लेकिन ये कह रहे हैं भाई ये प्रूफ करो कि ये तीनों लाइंस आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो मैं स्टार्टिंग से एक चीज बताते चलूंगा, किसी किसी क्वेश्चन में केवल वेक्टर इक्वेशन पूछती होगी तो मैं उसकी कार्टेशियन भी आपको बताऊंगा, ठीक है, हर तक, क्योंकि हम पढ़ेंगे नॉलेज के लिए। अब ये तीन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं तो हमने प्रूफ किया है L1 L2 M1 M2 और N1 N2 अगर जीरो आ जाए तो वो दो लाइन आपस में क्या होती हैं परपेंडिकुलर। अगर इन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस नहीं देकर डायरेक्शन रेशियोज दिए गए होते तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर आपने जीरो दिखा दिया तो वो दो लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। ये तब है जब डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। हो सकता है बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आके यहां पर A1 B1 C1 दे दें, डायरेक्शन रेशियोज दे दें तो ये कंडीशन हो जाएगी। कुछ नहीं कर रहा है, कह रहे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पहले इसका इसके साथ दिखाओ और मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो आएगा, पक्की बात है, मैं एक का करके दिखा देता हूं। तो चलिए L1 का इसके साथ करेंगे, तो 12 4 48 / 169, इसका करेंगे माइनस का, इसका करेंगे 69 12 / अब देखो सेम बेस है, ऊपर वाले सब ऐड कर दो तो 48 - 48 आ गया, तो क्या ये जीरो नहीं आ गया, तो इसका मतलब ये दो लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर। फिर इनके इनके साथ करना फिर भी जीरो आएगा, इनका इनके साथ करना, क्योंकि हमको तीनों दिखानी है जो आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो अब बहुत से बच्चों ने ये फॉर्मूला याद किया, हमने तो ये प्रूफ किए ना, ये एल्बर कहां से आएगी चीज प्रूफ की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज होते तो इस तरीके से। हाँ, अगर वो ये कहते कि भैया ये प्रूफ करो कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो हम ये दिखा देते L1/L2 M1/M2 और N1/N2। अगर डायरेक्शन रेशियोज होते तो A1/A2 B1/B2। हम एक क्वेश्चन से ही कई सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, इससे क्या होगा सारे कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। कोई डाउट इसमें भारती पाल, कोई डाउट, डाउट पक्का चुहिया में, कोई डाउट नहीं, छह में क्वेश्चन सेकंड, चलिए इसे देखते हैं। सो दैट द लाइंस थ्रू द दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर, प्लीज अब शांत हो जाए, कह रहे एक लाइन है जो दो पॉइंट से होती हुई जा रही है। सुनो क्वेश्चन को फील के साथ करेंगे, डायग्राम बनाते चलेंगे, ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, ये दो पॉइंट से होती हुई जा रही है, इस पॉइंट 0 3 2, अब ज़्यादा सी नहीं आ रही आप लोगों को, ये दो लाइन है, ये L1 है ये L2, बस ये प्रूफ करना है कि ये लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर। एक बात सुनो, ये लाइन है और ये भी एक लाइन है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर। अगर मैं इसका नाम ए दूं, इसका नाम बी दूं, तो मैं आपसे कहता हूं यार ए बी वेक्टर निकालो चलो, और इसका नाम दे दूं मैं सी, इसका नाम दे दूं डी, तो मैं आपसे कह रहा हूं सी डी वेक्टर निकालो, तो बच्चे निकाल लेंगे। चलिए ए बी वेक्टर निकालते हैं, ए बी तो 3 से बन गया 2i, 4+1 5j कैप,
क्लियर है। और माइनस टू माइनस टू माइनस का फोर के क्या सी डी, एंड में डी आ रहा है तो डी पे फोकस करो। जीरो से ये गया तो माइनस का थ्री आई कैप, और थ्री से फाइव गया माइनस का टू जे कैप, और माइनस का फोर के कैप। अच्छा एक बात सुनो जरा ध्यान से, ये दो वेक्टर इस लाइन को ही तो रिप्रेजेंट करें, इस लाइन के ऊपर ही तो होंगे ये इस तरीके से। अगर ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये लाइन भी परपेंडिकुलर ही होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, तो अब हमको कायदे भी ये प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस वेक्टर के लिए 2, 5, -4 क्या इसके डायरेक्शन रेशियोस नहीं है? पक्की बात है। इस वेक्टर के लिए -3, -2, -4 क्या डायरेक्शन रेशियोस नहीं है? बिल्कुल है। तो a1 कितना है 2, b1 कितना हो गया 5, c1 कितना हो गया -4, यस और नो? गुड। अब a2 -3, b2 -2 और c2 -4। चमका नहीं चमका, हंसी की मारी है इसने। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और वो परपेंडिकुलर होता तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0 अगर आ जाए तो भैया करो मल्टीप्लाई, 3 2 = 6 5 2 = 10 प्लस ये 4 4 = क्या 0 नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर। एक और तरीका, वो लेंथी हो जाएगी लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ते हैं इसलिए बता देता हूं। एक लाइन दो पॉइंट से होती हुई जा रही है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या ये बन जाएगी, r = a + λb - a? हम लोग बना लेंगे। ऐसे ही इस लाइन की इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। पक्की बात है, बना लेंगे ना यार, है हद है यार, बना नहीं पाओगे? ऐसे इस लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। और जब दो लाइन की इक्वेशन है और उनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, cos θ = b1 b2 पढ़ा है ना हमने ये, और अगर ये 90 आ जाए थीटा की वैल्यू तो भी तो एंगल निकाल सकते हैं। तो ये काफी लेंदी हो जाएगी लेकिन बताया क्योंकि आपको आना चाहिए, भले ही आप इससे बोर्ड में करके नहीं आते हैं लेकिन आपको नॉलेज के लिए आना चाहिए कि ऐसे भी एंगल निकाल सकते हैं। तरीके हैं केवल, यहां डायरेक्शन रेशियोज गिवन था, आसानी से निकल गया, कितना सिंपल हो गया। वरना एक तरीका ये भी एंगल निकालने का, इसको सॉल्व करेंगे और थीटा 90 आ जाए, मतलब cos θ 0 आएगा तो थीटा कितना होगा 90 होगा, 90 बोले तो परपेंडिकुलर। एक तरीका ये भी है, चमका तो कैसे भी कर सकते यार, आपको आना चाहिए बस। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 3। अधू क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ऐसा ही कह रहे हैं कि प्रूव करो कि वो दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। मतलब a1 / a2 और b1 / b2 और c1 / c2 बराबर आएंगे तो कह देना वो दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल में। कराऊंगा नहीं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझते चलो, मैं यहां पे सॉल्यूशन के लिए नहीं कराता हूं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। देखो कायदे में ये क्वेश्चन एक नंबर का है लेकिन हम इसको थोड़ा लेंथी तरीके से समझेंगे, क्या प्यार से समझेंगे, फील करेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक्स वाई जेड ये हो गया, फिर ये कह रहे हैं कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, ये एक लाइन की इक्वेशन देखते रहो, ये एक लाइन की इक्वेशन है और ये एक पॉइंट 1, 2, 3 से होती हुई जा रही है, 1, 2, 3 से होती हुई जा रही है और ये किसी एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है। मान लो ये रहा एक बी वेक्टर, ये क्या है 3i + 2j - 2k। क्लियर है? तो लेकिन इन्होंने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म भी बताएंगे और कार्टेशियन फॉर्म भी बताएंगे, सामने देखो ठीक है, दोनों फॉर्म बताएंगे इसकी। तो इस टाइप की कोई अगर एक इक्वेशन है, सॉरी लाइन है, वो इस पॉइंट से होती हुई जा रही है, तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये ए वैक्टर क्या हो जाएगा बताओ जरा, i + 2j + 3k। क्लियर है? तो हमने पढ़ा यार कि पहले वेक्टर फॉर्म बताएंगे इसकी, फिर कार्टेशियन दोनों बताएंगे। वेक्टर फॉर्म होती है कि कोई भी एक लाइन है किसी एक पॉइंट से होती हुई जा रही है और किसी एक वेक्टर के पैरेलल है, तो वो होता था r = a vector + λb vector। तो यहां पे a वेक्टर क्या होता था, a वेक्टर उस कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर होता था, ठीक है डियर। तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, a वेक्टर कितना i + 2j + 3k लैम्डा, बी वेक्टर कितना दिया 3i + 2j - और सुनो बस छोड़ दो यहीं पे, कोई ज़्यादा सॉल्व करने की, i और j को अलग अलग करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हो गई वेक्टर फॉर्म।
लेकिन इस क्वेश्चन में केवल ये कहा था कि लाइन की इक्वेशन बताओ, उन्होंने नहीं बोला था वेक्टर बताओ या कार्टेशियन बताओ। तो आप जब कुछ नहीं बोला है तो मैं कहता हूँ आप दोनों ही बताकर आ जाओ, अदरवाइज वेक्टर फॉर्म से भी काम चल जाता है। अब मैं इसकी बताऊंगा कार्टेशियन फॉर्म। अब हमको पता है कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से होती हुई जा रही है और किसी एक वेक्टर के पैरेलल है तो वो होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो अब आपको पता होना चाहिए एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वन वाई वन जेड वन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और ए बी सी क्या होता है, जो वेक्टर गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियोज। भैया पुट द वैल्यू गेट द आंसर, एक्स वन कितना है वन, ए कितना है थ्री, वाई वन कितना है टू, बी कितना है टू और जेड माइनस जेड वन कितना है थ्री और सी कितना माइनस का। तो ये हमारी उस लाइन की कार्टेशियन फॉर्म आ गई, जबकि पूछा नहीं था लेकिन हमने कर लिया, क्योंकि आपको बार बार मैं जब ये बताऊंगा ना कि एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है ए बी सी का, तो फिर आगे के जो मिसलेनियस होगी बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगी। कोई डाउट मल्होत्रा, कोई डाउट तिवारी, कोई डाउट यश चौहान बताओ। मिक्स कर दिया मैंने, यश चौहान उसका। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते चलिए। अच्छा ये कहना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, प्लीज कहना है लाइन की इक्वेशन वेक्टर कार्टेशियन दोनों बतानी, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ओहो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका भी डायग्राम तसल्ली से बनाएंगे प्यार से। देखो जरा डायग्राम से क्या होता है, क्वेश्चन की एक एक चीज हमको समझ आती है। देखिए मल्होत्रा क्या कह रहे हैं कि एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, वो एक पॉइंट से होती हुई जा रही, मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से होती हुई जा रही है, लेकिन आगे क्या बोला है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस बार गिवन नहीं है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब ये गिवन है चमका। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन थे, कह रहे हैं एक लाइन है वो किसी पॉइंट से होती हुई जा रही है लेकिन इस बार पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर गिवन है, और वो क्या है, टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस का फोर के कैप, और ये लाइन एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मतलब एक वेक्टर के इस डायरेक्शन में। तो इनडायरेक्टली क्या तिवारी, इन्होंने ये नहीं बोला है कि ये वेक्टर इसके पैरेलल है, यस और नो, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है, हम उसमें घबराएंगे नहीं। मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाता हूँ। कहते हैं ये एक लाइन है एल वन और ये एक पॉइंट ए से होती हुई जा रही है लेकिन इस बार इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट टू कॉमा माइनस वन फोर नहीं हो गए, बन गया प्रीवियस क्वेश्चन। और कह रहे हैं ये जो लाइन है इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, मतलब ये वेक्टर इसके क्या है, पैरेलल है, बन गया प्रीवियस क्वेश्चन यार, बन गया प्रीवियस क्वेश्चन। तो बस फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर दिया गया टू आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का फोर के कैप, और यार लैम्डा बी वेक्टर कितना है, क्लियर है, कह रहे कार्टेशियन भी होता है यार, फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो एक्स माइनस एक्स वन कितना है टू अपॉन ए कितना है वन, वाई माइनस वाई वन कितना है माइनस वन, तो क्या हो जाएगा प्लस वन अपॉन बी कितना है टू, जेड माइनस जेड वन अपॉन माइनस का वन। आगे भैया कार्टेशियन फॉर्म देखो, डायग्राम से समझ आता है क्वेश्चन को इन्होंने, हाँ बस इतना ही छोड़ के आना, हाँ चलो अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसके आगे सॉल्व करोगे क्या, पहली बात तो ये क्रॉस मल्टीपाइल कुछ भी नहीं करना है, ऐसा केवल यहीं पे छोड़ के, ये कार्टेशियन फॉर्मेट है और ये हमारी वेक्टर फॉर्मेट है, बात खत्म। चमका कोई डाउट इसमें, लिखो समझ में आने चाहिए बस आपको क्वेश्चन यार। क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स देखो, अभी फेंकता तेरे पे को जिंदा वाले, रुक जा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को उपासना देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक के जितने क्वेश्चन थे एक एक नंबर के थे, ये थोड़ा सा दो नंबर में आ सकता है, क्यों आ सकता है देखते हैं इसको। ये कह रहे हैं कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कार्टेशियन पूछी हम दोनों बताएंगे, पासिस थ्रू द पॉइंट्स, एक लाइन है ये रही, ये एक पॉइंट से होती हुई जा रही है, ये इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं माइनस टू फोर कॉमा फाइव एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अब क्या है कि ये जो लाइन L1 है, ठीक है जी, ये L1 है, ये इस पॉइंट से होती हुई जा रही है और एक और लाइन है ये रही, ये L2 लाइन है, इस लाइन की कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, इस लाइन की कार्टेशियन फॉर्म गिवन है एक्स प्लस
थ्री अपॉन थ्री, वाई माइनस फोर अपॉन फाइव और जेड प्लस एट अपॉन सिक्स। तो कह रहे हैं भैया लाइन जो पहली वाली लाइन है ना उसकी इक्वेशन फाइंड करनी, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, एक एक चीज़ समझेंगे इसे प्यार से। अब सुनो जरा ध्यान से, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और ये इस पॉइंट से होती हुई जा रही केवल। अगर हमको इस लाइन का एक वो वेक्टर पता लग जाए जो इसके क्या है पैरेलल, तो क्या बात नहीं बन जाएगी हमारी। अब सुनो, लेकिन ये एक लाइन की इक्वेशन है ये, अब सुनो जरा। अब इस लाइन की इक्वेशन ये गिवन, अब मैं इसको एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, देखो यहीं से बस ये चीज समझनी है। तो बेड़ा पार, बेड़ा पार, देखो अब कार्टेशियन फॉर्म में यार एक चीज क्या थी कि हर जगह माइनस होता था, पहली बात तो ये क्या प्लस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो x प्लस थ्री को क्या ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस माइनस थ्री, यस और नो? ये तो पहले से ही है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस एट? अच्छा जी, ये किसकी इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन किसी पॉइंट से होती हुई जा रही है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, चमका, पहली बात पक्की बात है। और ये एक लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है और वो वेक्टर क्या है, थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप। ये बात समझ आ गई हर किसी को, ये बताओ बस यहां तक पक्की बात है। तो बात सुनो, बात सुनो, ये लाइन सॉरी ये वेक्टर इसके क्या है और ये लाइन इसके क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या ये वेक्टर इसके पैरेलल नहीं होगा, पक्की बात है? तो यार एक पॉइंट पता लग गया, ये वेक्टर पता लग गया, इस लाइन की इक्वेशन आ गई बस। अगर इस लाइन का इस पॉइंट से होती हुई जा रही है तो इस का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा माइनस का टू आई कैप, क्लियर है? तो हम लोग दोनों इक्वेशन निकाल देंगे, इक्वेशन ऑफ एल वन की, पहले वेक्टर फॉर्म, तो आर इक्वल्स टू ए वेक्टर मतलब माइनस का टू आई प्लस का 4j माइनस का 5k प्लस लैम्डा b वेक्टर, b वेक्टर कितना है तिवारी, ईमानदारी से बताना क्लियर हो रही है चीजें? हाँ, क्योंकि ये जो वेक्टर इसके क्या है पैरेलल और ये लाइन इसके, तो ये वेक्टर इसके भी तो पैरेलल होगा, और ये हमको पता करना था। अब हम निकाल देंगे कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो x1, y1, z1 तो ये हो गए, चलिए वैल्यू पुट कर दी x माइनस, और वो माइनस का टूथ क्या हो जाएगा। अच्छा ए बी सी क्या होते हैं, जिस जो ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो, तो 3, 5, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या जाएगा 3, y माइनस वाई वन कितना 4, b कितना हो जाएगा 5 और z माइनस जेड वन कितना माइनस 5, तो प्लस 5 हो जाएगा अपॉन 6। भैया ये आ गई लाइन की दोनों इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म भी मैं लिखते चल रहा हूँ साथ साथ में और वेक्टर फॉर्म भी लिखते चल रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि हमारे ये चीजें इतने, जब पांच छह क्वेश्चंस करेंगे ना तो आगे आगे भागोगे आप लोग और कंसेप्ट को भी समझोगे। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्या कोई डाउट है, पक्की बात है, हटा दूं? चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर, देखो अभी तक हमने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन 7 तो बहुत ही बकवास है, सिंपल है। देखिए ये कह रहे हैं x माइनस फाइव, अरे यार एक बात बताओ, ये अगर आपको पता नहीं है कि ये कौन सी इक्वेशन, वेक्टर है कार्टेशियन है, तो देखकर बताओ क्या ये कार्टेशियन वेक्टर है, क्यों है कार्टेशियन, क्योंकि इसमें वेक्टर का साइन कहीं आ रहा है, वेक्टर कहीं भी नहीं ना, तो कार्टेशियन फॉर्म है। फिर कह रहे हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, हम जरूर करेंगे लेकिन हम पहले डायग्राम से यार आपको समझाएंगे ना, ये एक्चुअली में इक्वेशन बोल क्या रही है, ये एक लाइन की इक्वेशन, ये रही लाइन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये लाइन इस पॉइंट से होती हुई जा रही है तो इस, बट अब ये y प्लस फोर है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये हो गया। तो ये किस पॉइंट से होती हुई जा रही, फाइव कॉमा माइनस फोर कॉमा सिक्स, इस पॉइंट से होती हुई जा रही है। और ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, b वेक्टर के, और वो b वेक्टर क्या होगा हमारे पास, समझ आए ना? अच्छा ये इस पॉइंट से होती हुई जा रही है तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, फाइव आई कैप। मैथ क्या है, मैथ सबसे हलवा सब्जेक्ट है, तो फाइव आई के, लेकिन कब है, जब स्टार्टिंग से समझते चलोगे तब। जो बच्चे केवल डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाते हैं वही सॉल्यूशन पे अटके रह जाते हैं और बाद में बेरोजगारी चिल्लाते हैं। आ गया वेक्टर फॉर्म, पक्की बात है? नहीं नहीं, अरे नहीं मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखते भी नहीं होंगे यूट्यूब, सब कह रहे हैं बेरोजगारी, अरे घंटा बेरोजगार, तुम मेहनत करते नहीं हो और बस
किताबी नॉलेज लिए घूमते बाद में चिल्लाओ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओहो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो जरा इसका डायग्राम बनाएंगे। कह रहे हैं कि यार एक लाइन की इक्वेशन बताओ। अब शांत हो जाना, हम इसमें दोनों इक्वेशन बताएंगे, पूछी भी शायद दोनों। यहाँ ठीक है, वो एक लाइन है जो ओरिजिन से होती हुई जा रही है और इस पॉइंट से होती हुई जा रही है। देखो जरा ये एक लाइन है ओरिजिन से होती हुई जा रही है, मतलब 0, 0, 0, और एक इस पॉइंट से होती हुई जा रही है 5, -2, 3। दोनों इक्वेशन बताएंगे। तो अब सुनो जरा, जब कोई एक लाइन दो पॉइंट से होती हुई जाती है तो उसका वेक्टर फॉर्म होता है आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, और उसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। हमने प्रूव किया है, ठीक है जी, हमने प्रूव किया ये। चलिए अच्छा, अब आपको बता दें कि ए वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर क्या होता है। ए वेक्टर वो वेक्टर होता है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है, ए और बी के जो पोजीशन वेक्टर होते हैं वही तो होता है। अब यार एक बात बताओ, ए वेक्टर ए पॉइंट ओरिजिन पर ही है तो ए वेक्टर क्या होगा, जीरो आई कैप। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते, जीरो वेक्टर को ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। क्यों सुनो ना, क्योंकि जो पॉइंट्स होता है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं वही तो पोजीशन वेक्टर होता है। अब ये पॉइंट ही ओरिजिन पे है तो डिस्टेंस क्या होगा, जीरो, ठीक है। ऐसी जीरो से लेके बी, इसका पोजीशन वेक्टर ये होता है बी वेक्टर, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, बी वेक्टर निकाल सकते हैं। 5i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, यस और नो, पक्की बात है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो आर इक्वल्स टू ए वेक्टर तो क्या, जीरो वेक्टर, इसको लिखो या मत लिखो लैम्डा। अब बी वेक्टर कितना है, प्लस का 3। अब जीरो वेक्टर माइनस करो या बोकर आंसर तो वही आएगा, तो इसको लिखो या मत लिखो आंसर आ गया हमारा। ये हमारे पास आ गई वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन। अब कार्टेशियन पॉइंट्स होते हैं x1, y1, z1, x2, y2 और z2। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन 5 आ गया, y माइनस वाई वन तो 0 है अपॉन माइनस टू से गया तो माइनस टू आ गया, और z माइनस जेड वन अपॉन 3 माइनस 0 तो 3 आ गया। आ गई भाई हमारे कार्टेशियन फॉर्म, चमका, पक्की बात है ना, दो पॉइंट से जाने वाले। देखो ये चीज हमने प्रूफ करी है, अगर आपको प्रूफ नहीं आया तो आप याद कर लो भैया, नंबर वाली बात है तो याद कर लो इसको केवल। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, चमका, 3D सिंपल हो रही है, पहले 12th कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहे फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू द, भैया वही वाला पूरा फॉर्मूला वही है पूरे 8 की तरह, डू योर सेल्फ। चलिए अच्छा, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। चलो अब एंगल फाइंड करना है, पहला पार्ट बता देते हैं, उसमें एक लाइन की इक्वेशन है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप, और दूसरा है r वेक्टर 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस का म्यू। अब सुनो यार जरा, हमसे बोला गया है कि इनके बीच में एंगल फाइंड करो। अब जरो मैं इसको इंटेंशनली क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करूंगा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, फिर कह रही है कि इसका एंगल फाइंड करो। जब वेक्टर फॉर्म गिवन होती है तो कॉस थीटा होता है हमारे पास b1 डॉट b2 और इनका मॉडुलस, हमने प्रूफ किया हुआ है, यस और नो, पक्की बात है भैया यहाँ पे। तो ये हमारा क्या होता था, B1 वेक्टर होता था, और ये हमारा क्या होता था, B2 वेक्टर होता था, पक्की बात है। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 3 2 2 4 6 6 12 6 2 12, क्लियर है। अब चलिए B1 का 3 9 2 2 4 6 6 36, इधर 1 2 2 4 2 2 4, क्लियर है। चलिए अच्छा, तो 19, ठीक है, 9 4 13 7 और 3, क्लियर है। तो थीटा कितना निकल के आ गया, थीटा निकल के आ गया कॉस इनवर्स, ये तो सिंपल हो गया, तो कहने को कुछ नहीं था। लेकिन 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 अब मैं इस फॉर्मूले से भी आपको बता देता हूं, कॉस थीटा इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 c1 c2
इन रूट ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर और सी टू स्क्वायर। ये यहाँ पे ए वन बी वन सी वन ये सब क्या है, ये लाइंस के जो वेक्टर पैरेलल है उनके डायरेक्शन रेशियोज। तो ये ए वन ये बी वन ये सी वन ये ए टू ये बी टू ये सी टू, तो आप देख रहे होंगे यार इनका तो कुछ भी यूज नहीं है इसमें। क्यों नहीं यूज नहीं है, क्योंकि ये तो पोजीशन वेक्टर है जो एंगल बनते हैं। मैंने इंट्रो पार्ट सब बताया, ये दो लाइंस के बीच में एंगल बनना है तो इन दो लाइंस के बीच में एंगल कह लो, या इनके जो पैरेलल वेक्टर है उनके बीच में एंगल कह लो, एक ही तो बात है। इसलिए ऐसा था ये इंट्रो पार्ट। देखो भैया अगर डीप में पढ़ना चाहते हो तो ए वन कितना है थ्री, ए टू कितना, तो ये थ्री हो गया, टू टू जा फोर हो गया और सिक्स टू जा ट्वेल्व, देखो वही आ रहा है, देख रहे हो आप, फिर इसका स्क्वायर नाइन फोर थर्टी सिक्स वन फोर फोर, देख रहे हो लॉर्ड फेयर के वही आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया, क्लियर है। ये तो है और ये तब ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब लाइंस की जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होती है। ठीक है, बट मैंने फिर भी कर लिया, बात समझ में आ रही है ना, तो यार किसी से भी कर दो, पक्की बात है ना। तो ऐसी सेकंड पार्ट डू योर सेल्फ कर लेना। तो पार्ट वन में इतना ही रखते हैं, बाकी के रेस्ट क्वेश्चन पार्ट टू जब लॉन्च होगा तब देखते हैं।